फाइनली भाई जान, वी आर एट करीमाबाद। 2:20 हो चुके हैं। हम करीमा बाज़ार के बाज़ार से होते आ रहे हैं। आपने देखा होगा बाज़ार वगैरह सारा इसी तरह का बाज़ार है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर बलतीर फोर्ट। बलतीर फोर्ट थोड़ा सा ऊपर है। दिस इज़ एंट्रिंग ऑफ बलतीर फोर्ट। ये ऊपर फोर्ट है। किधर भाई जान, हम अपनी बाइक के बाद वापस आ चुके हैं ऊपर बलतीर फोर्ट से होकर कि हम वापस प्लान कर रहे हैं। बैठ गए हम, ये सब लोग ये देख लीजिए। तो बस निकल रहे हैं अब, बस अब प्लान करके फिर निकलते हैं आगे। जहाँ का प्लान होता है मिलता हूँ फिर आपको बाद में, बाकी की डिस्कशन आपको बताते हैं प्लानिंग आगे। तो भाई जान, अभी हम जा रहे हैं जहाँ आप अताबाद लेक और हुसैनी ब्रिज। उम्मीद है कि यहाँ से लगेगा कोई घंटा लगेगा। अभी वहाँ पे जा रहे हैं। पाँच मेरा कल 4:45 हो चुके हैं अभी तक। और ये है जनाब कैलाश का, वो क्या कहते हैं उसे, कैलाश भी इस तरह का था मुझे जहन, करीमाबाद। करीमाबाद का बाजार, हमारा अभी प्लान ये हुआ है कि जनाब हम जाएंगे यहाँ से अताबाद लेक भैया। फाइनली बैक टू द हाईवे, करम करम हाईवे। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अताबाद है। अताबाद कितना है यहाँ से? 15 मिनट लग जाएंगे। उसे हुसैनी ब्रिज आप स्काउट वाले हो? अच्छा, यहीं से हो? अल्ला 15-20 मिनट का है बात। पाक चाइना टनल, फ्रेंडशिप टनल नंबर 1। टनल के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब सर्दी नहीं है, मतलब हवा बहुत ज़्यादा है। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई जान, कुछ भी नहीं, कमाल की चीज़ बनाई है। बात सही है, फ्रेंडशिप टनल नंबर 2। पहली टनल छोटी थी लेकिन ये टनल काफ़ी लंबी है। मेरे ख्याल 5 किलोमीटर मिनिमम तो होगी।
पहुंच गए जी ताबा लेक व्यू पॉइंट। ये देखें दिस इज ताबा लेक की ये भाई जान मेन पॉइंट नहीं था ताबा लेक का, इसलिए हम आगे और जा रहे हैं क्योंकि हमारे दो लड़के आगे और जा चुके हैं तो हम आगे जाएंगे। मतलब ये टनल नंबर 3 भी हम आगे क्रॉस करेंगे। चलो साथ से बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लॉन्ग लेक पार्क चाइना फ्रेंडशिप। एक मिनट। रीअलाइनमेंट ऑफ केकेआर चेयर अताबा लेक 2012-2015। यह जनाब तीसरी टनल जो मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस यह है जनाब ब्रिज टनल के बाद वाला वो चौथी टनल आएगी। जनाब पाकिस्तान टनल नंबर 4 फ्रेंडशिप टनल। टनल नंबर 4 भी हम भाई आ चुके हैं, आने वाले हैं मतलब पहुंचने वाले हैं। अब देखते हैं आगे मतलब कोई सीन पार्ट है टनल वाला के नहीं। नहीं जनाब नहीं है टनल वाला कोई नहीं है। अताबाद झील वो रही जनाब सारी अभी भी एक टनल है छोटे वाली टनल है अभी एक छोटे वाली टनल और है। वो भी क्रॉस करके दिल अतार बात का मेन पॉइंट आ गया। उधर ला दी कि जिधर या मैं मगर ही पा ली।
ठीक है जनाब, ओ कॉर्नर से चलने हैं। This is the Dava Lake. Finally, भाईजन, we are at Ataba Lake. और Ataba Lake के सीन कुछ यूं है। आप बस बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग लगे हैं बाइक पे, बाइक वाली जो बोटिंग होती है, मतलब 2006 बंदे का मतलब सारा 300 फी पर्सन आप आके यहाँ पे उनसे तोड़ मोड़ करके और कम करवा सकते हैं। ये ऐसे ही है, एक फिक्स रेट नहीं है इनका, आप कर सकते हैं इनके साथ बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे होटल वगैरह भी काफ़ी हैं, ये आप देखिए यहाँ पे होटल वगैरह भी काफ़ी हैं, ये होटल्स हैं सारे। तो भाई जान, अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं अताबा लेक से, अभी हम वापस जाएंगे अलियाबाद रोड पे, हम वही पुराने रोड से जाएंगे। कल सुबह इंशाल्लाह प्लानिंग करके हम अलियाबाद से आगे निकलने की बताएंगे कहाँ पे जाना है। बाकी अभी हम निकलते हैं क्योंकि रात शाम भी बहुत हो गया, तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और आपके सामने बारिश वाला मौसम है, तो जल्दी से निकलते हैं और होटल में पहुँचते हैं। होटल में पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। तो भाईजान, अभी का सीन, अभी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और तकरीबन 10 बज चुके हैं, हम तकरीबन 6 बजे पहुंच गए थे अलियाबाद में अताबाद लेक से। हमने एक होटल वगैरह लिया, यहाँ से अच्छी तरह रेस्ट वगैरह किया और बाहर जाके खाना वगैरह खा के आए हैं। मैं बाज़ार की वीडियो बनाना चाह रहा था अलियाबाद की, लेकिन बाज़ार बिल्कुल तरह बंद हो चुका है, यहाँ पर मुहर्रम चल रहे हैं ना, जिनकी वजह से बंद है। तो अभी बस हम सोएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह 7 बजे हमने यहाँ से निकलना है नलतर वैली के लिए। कल का हमारा प्लान नलतर वैली का, इंशाल्लाह कल हम नलतर वैली के लिए निकलेंगे। और बाकी आपको मैं छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ, वो देख लें, उसके बाद हम भी आराम करते हैं। ओके शायद भाई, मैं आपकी भी करवाता हूँ बात। ये भाई जान हमारा है रूम, ये पूरा रूम है, ये 2 बेड है, ये शबान भाई मैट्रेस है, 2 हमें मैट्रेस मिले हैं, बस यही है। ये हमें 1800 का मिला है। बाकी ये शुएब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ये सुन लें। जी शुएब साहब। भाई जान, अभी मैं मैप जो है इस पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कोई नई जगह मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड व्यू है इसमें। ये आपको गिलगित में हाजी रमज़ान का होटल है, वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। 100 रुपीज़ का मैप है, लेकिन बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देखें हर चीज़ डिटेल में है, इवन के गूगल मैप भी आपको इतनी डिटेल नहीं देगा। तो बस ये चेक कर रहे हैं हम लोग, सुबह इंशाल्लाह नलतर जाएंगे, फिर वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। पीस आउट बी।